आईपीएल के फाइनल में आरसीबी को हराकर चैंपियन बन चुकी है डीसी। अरे अरे डीसी नहीं, एसआरएच, यही सोच रहे होंगे आप। पर ये 2016 की नहीं बल्कि 2009 की बात कर रहा हूँ मैं। आप सोच रहे होंगे ये तो ठीक है, लेकिन डीसी दिल्ली कैपिटल तो कभी चैंपियन ही नहीं बनी। डीसी मतलब दिल्ली कैपिटल नहीं, बल्कि मैं बात कर रहा हूँ डेक्कन चार्जर्स की। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसी टीम जो दूसरे ही सीजन में चैंपियन बन जाती है, पर फिर भी इस टीम को बैन कर दिया जाता है बीसीसीआई के द्वारा। और कैसे इस टीम ने बीसीसीआई पर भी केस कर दिया था। डीसी से एसआरएच बनने की इस कहानी को जानेंगे इस वीडियो में। डेक्कन चार्जर्स एक ऐसी टीम, इसका कई फैंस ने तो नाम भी नहीं सुना होगा, लेकिन शिखर धवन से लेकर रोहित शर्मा तक, हर्षल गिब्स से लेकर एडम गिलक्रिस्ट तक, कई ऐसे महान प्लेयर इस टीम का हिस्सा रह चुके थे। एक समय पर ये टीम मुंबई इंडियंस और सीएसके जैसी हुआ करती थी, लेकिन 14 सितंबर 2012 को बीसीसीआई ने इस टीम पर बैन लगा दिया हमेशा के लिए। चलिए समझते हैं इस पूरी कहानी को। 2008 जब आईपीएल टीमों की बोली चल रही थी, नीलामी का हिस्सा थे डेक्कन क्रॉनिकल्स। इस ग्रुप ने उस समय इस $107 मिलियन खर्च कर एक टीम खरीदी थी। इस टीम का नाम रखा गया था डेक्कन चार्जर्स हैदराबाद। डीसी के लिए अपना पहला ही सीजन भुला देने वाला था, क्योंकि पूरे सीजन में इस टीम ने बस 2 ही मैच जीते और पॉइंट्स टेबल में भी आखिरी नंबर पर थी। 2009 यानी आईपीएल के दूसरे सीजन में टीम ने कुछ चेंज किए। कप्तानी से बीबीएस लक्ष्मण को हटाकर एडम गिलक्रिस्ट को कप्तान बना दिया गया। इस एक बदलाव ने डीसी के लिए चमत्कार कर दिया और 2009 में डीसी चैंपियन बन चुकी थी। अब दोस्तों आईपीएल के तीसरे सीजन की शुरुआत होती है। इस सीजन में भी डीसी प्लेऑफ के लिए क्वालिफायर कर देती है। अगले 2 सीजन डीसी के लिए थोड़ा खराब जाते हैं, पर डीसी के फैंस को डीसी से उम्मीद थी 2013 के सीजन में वो कमबैक जरूर करेंगे, क्योंकि पिछले 5 सीजन में डेक्कन चार्जर्स एक बार फाइनल जीत चुकी थी और एक बार प्लेऑफ में क्वालिफायर कर चुकी थी। लेकिन फैंस को कहां पता था डीसी एक मुश्किल में फंसती जा रही है, क्योंकि डीसी ने 2012 में खिलाड़ियों की सैलरी के रूप में 13 करोड़ रुपए लौटाने थे, जो कि फरवरी तक उसे देने थे, लेकिन वो पैसे समय पर नहीं दे पाई और समय से 4 महीने लेट हो चुके थे। डीसी की तरफ से जुलाई में ये कहा गया वो 10 अगस्त तक सारे पैसे लौटा देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 14 अगस्त को आईपीएल और डीसी के ओनर वेंकट राव की मुलाकात हुई, जिसमें उन्हें भुगतान क्लियर करने के लिए 1 महीने का टाइम दिया गया, यानी 15 सितंबर तक का। अब सबको डेक्कन क्रॉनिकल्स से उम्मीद होती है वो सब कुछ संभाल लेंगे, लेकिन 13 सितंबर को न्यूज़पेपर में ऐड देखकर बीसीसीआई दंग रह जाती है, क्योंकि इस न्यूज़ में डेक्कन चार्जर्स को बेचने की बात हो रही थी। इस इंसिडेंट के तुरंत बाद बीसीसीआई ऑफिसर्स की एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई जाती है, जो कि होती है 14 सितंबर को। डेक्कन क्रॉनिकल्स के इस फैसले ने लीग पर सवाल खड़े कर दिए थे और इस कारण बीसीसीआई 14 सितंबर को ही डीसी को लीग से बाहर कर देती है हमेशा के लिए। आगे जाकर सन ग्रुप इस फ्रेंचाइज को 5 साल के लिए खरीद लेता है, जिसके लिए वो बीसीसीआई को 425 करोड़ रुपए देता है, यानी हर साल 85 करोड़ रुपए। वेट, मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ, 85 करोड़ रुपए हर साल, जबकि फाइनल जीतने वाली टीम को तो 20 से 25 करोड़ रुपए दिए जाते हैं, तो आखिर ये टीमें पैसा कैसे कमाती हैं? अगर आप भी जानना चाहते हैं तो इस पर डिटेल में वीडियो हमने बनाई हुई है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर आई बटन में मिल जाएगा। आइए आते हैं वापस वीडियो पर। इसी के साथ अब डेक्कन चार्जर्स अब सनराइजर्स हैदराबाद बन चुकी थी। हैदराबाद का ओनर काव्य मरन को बनाया जाता है। आपने इन्हें कई एसआरएच के मैचों में भी देखा होगा या फिर सोशल मीडिया पर इनकी वीडियो देखी होगी। एसआरएच ने अपने पहले साल पिछली टीम के 20 खिलाड़ियों को रिटेन किया और ये टीम प्लेऑफ तक पहुंच जाती है, लेकिन अगले साल इस साल कप्तानी मिलती है शिखर धवन को। इस साल एसआरएच ने पूरी टीम को रिलीज कर दिया, सिर्फ शिखर धवन और डेल स्टेन को रिटेन किया। इस साल टीम खास प्रदर्शन नहीं कर पाती, लेकिन एसआरएच की किस्मत जागती है डेविड बॉनर के आ जाने के बाद, जहां डेविड बॉनर को 2015 में टीम का कप्तान बनाया जाता है। 2016 में बॉनर टीम को चैंपियन भी बना देते हैं आरसीबी की टीम को हराकर। इस साल यानी आईपीएल 2024 में एसआरएच ने अपनी टीम की कमान विश्व कप चैंपियन पैट कमिंस को सौंपी है, जहां हैदराबाद अच्छा प्रदर्शन कर रही है और कई सारे रिकॉर्ड भी तोड़ चुकी है और कई सारे रिकॉर्ड में नाम कर चुकी है। इस साल ट्रॉफी की दावेदार भी मानी जा रही है हैदराबाद की टीम। अब आप ये सोच रहे होंगे डीसी इस टाइम कहां गई। तब डेक्कन क्रॉनिकल्स को 15 सितंबर का टाइम दिया गया था, लेकिन डीसी की गलती के कारण उन्हें 14 सितंबर को ही आईपीएल से बैन कर दिया गया था। इसके बाद डीसी ग्रुप ने बीसीसीआई के खिलाफ केस भी किया था, जहां डीसी का ये कहना था 15 सितंबर को यस बैंक के साथ मिलकर वो सारे पैसे चुका देते, लेकिन उन पर ड्यू डेट से पहले ही बैन लगा दिया गया। इस केस में 2 बार फैसला भी सुनाया जा चुका है, जहां दोनों बार फैसला बीसीसीआई के पक्ष में गया है। पहली बार कोर्ट ने बीसीसीआई को 480 करोड़ रुपए डीसी को देने का फैसला दिया था, जबकि दूसरी बार बॉम्बे कोर्ट ने 35 करोड़ रुपए डीसी को देने का फैसला किया है। इस फैसले के बाद डीसी ग्रुप हाई कोर्ट में भी जा सकती थी, लेकिन इस
मामले को यहीं छोड़ दिया गया। डीसी टीम ने फैंस को कई ऐसे यादगार मौके भी दिए हैं, जैसे रोहित शर्मा का हैट्रिक लेना, अपने दूसरे ही सीजन में चैंपियन बन जाना। अगर दोस्तों ये टीम आज होती तो ये टीम कितनी बार फाइनल जीत चुकी होती, और क्या रोहित शर्मा कभी मुंबई इंडियंस में आते या नहीं, या आपने इस टीम को आईपीएल में खेलते हुए देखा है नहीं। अपने क्रिकेट एक्सपीरियंस को कमेंट में शेयर जरूर करना।